बलरामपुर में आज अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जॉन श्री अखिल कुमार द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक बलरामपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कार्यालय के विभिन्न शाखाओं, प्रधान लिपिक शाखा, IGRS, सोशल मीडिया सेल, जन सूचना शाखा, पासपोर्ट सेल, कोरोना सेल, पासपोर्ट सेल, रिट सेल, विशेष जांच प्रकोष्ठ सेल, महिला सेल कार्यालय, UP 112, जन शिकायत आदि शाखाओं का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा सोशल मीडिया सेल बलरामपुर के कार्यों की प्रशंसा की गई तथा अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महोदया द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेखों एवं रजिस्टरों को चेक किया गया तथा रजिस्टरों एवं अभिलेखों को अद्यतन कर साफ सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जॉन महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर में नवनिर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का उद्घाटन किया गया। स्थित ये जनपद है और इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतिष्ठान भी है हमारा, जिसको दृष्टिगत ये जो जनपद है इसकी संवेदनशीलता काफ़ी बढ़ जाती है। हम जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने स्तर से। समय समय पे वो निरोधात्मक कार्रवाई करती हैं, सजग हैं। परंतु हमने ये पाया है कि जो इस योजना है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, चूँकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसमें नागरिकों की सहभागिता काफ़ी कम है। और नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, हम लोगों ने एक योजना लाई है कि 10 किलोमीटर तक सीमा के अंदर जितने भी गांव हैं, यहाँ पे नागरिक संगठन, नागरिक सुरक्षा समितियाँ बनाई जाएं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पे नज़र रखेगी। और हमारे एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, एक चैनल नेटवर्क बना रहे हैं, जिसके थ्रू वो थाना और पुलिस अधीक्षक से संपर्क में रहेगी और समय समय पर उनको सूचित करती रहेगी। तो इस कार्ययोजना को हम लोग ने डिटेल डिस्कस किया है अपने बॉर्डर में, बॉर्डर के हमारे जितने भी प्रधान थे, चौकीदार थे, उनको हमने बुलाया है और इसको अब हम मुख्य रूप से किस तरह से क्रियान्वयन आगे करें, इस पर भी विचार विमर्श किया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।